तारीख में अपनी परेड निकाले। तो कितने ट्रैक्टर हैं और आपके साथ और कितने लोग जा रहे हैं? ट्रैक्टर हो जाएंगे 20 हमारे पास। कितने लोग जा रहे हैं? 26 हो जाएंगे, 150 आदमी तो हमें। चेतन त्यागी, ईरपुर हिंदू गांव से, भारतीय किसान यूनियन, तहसील अध्यक्ष सलोनी। देखिए, प्रशासन ने किसानों को बिल्कुल तंग कर दिया। अब किसान अपना हक मांगने के लिए दिल्ली पहुंच चुका है और सरकार इस धरने को हल्के में ले रही थी पहले। और किसान एक आंदोलन अब खाली एक किसान का नहीं रहा, ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन बन चुका है और इसमें पूरे देश का किसान मजदूर जुड़ चुका है। और जितना भी किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है सरकार के द्वारा, कोई भी किसान हटने वाला नहीं है। और आने वाले टाइम में 26 जनवरी को हम दिखा देंगे हमारा लक को ट्रैक्टर, वहाँ परेड करेगा दिल्ली के अंदर पहली बार, और एक ऐतिहासिक परेड होगी अब की बार। ये देखना, अभी हमारे साथ चल रहे हैं 150-200 लोग हैं, बाकी 26 जनवरी को सब लोग वहीं मिलेंगे। सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। और हमारा कहना सरकार से ये, नरेंद्र तोमर जी से ये कहना है कि जब भी कोई कृषि संबंधी बिल बने तो उसमें किसानों के प्रतिनिधि जरूर होने चाहिए। और सरकार से अभी भी निवेदन भी कर रहे हैं किसान कि इस बिलों को वापसी ले और किसानों को अपने घर जाने के लिए तैयार कर रहेगा। धरती पर तूफान रहेगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान यूनियन आज लोनी का एक जत्था गाजीपुर के लिए तैयार हुआ है, और जो हमारे और किसान हैं, बाकी किसान वो 26 तारीख को आएंगे और गणतंत्र दिवस की जो परेड है दिल्ली की उसमें शामिल होंगे। और यहाँ से काफ़ी किसान जा रहे हैं, शासन प्रशासन के दबाव के बावजूद जो परेशान किया जा रहा किसानों को, उसके बावजूद किसान रुक नहीं रहा और 26 तारीख की परेड में शामिल होगा। जब तक ये बिल वापसी नहीं होगी तो घर वापसी नहीं होगी। जब तक दुखी किसान रहेगा।